मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा। स्वस्थ रहना, निरोगी रहना, कि खाना खाइए तो खूब अच्छे से चबाइए, क्योंकि आपके मसूड़े तो फ्लेक्सिबल है, यूरोप में नहीं है, और इतनी बार चबाइए जितने दांत हैं आपके। एक दिन शीशे के सामने खड़े होकर अपने अपने दांत गिन लीजिए, किसी को 32 होंगे, किसी को 30 होंगे, किसी को 28 होंगे। तो रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला तो उतनी बार चबाइए, जैसे 32 दांत हैं तो 32 बार चबाइए, 30 हैं तो 30, 28 हैं तो 28, खूब चबा के खाना खाइए। आयुर्वेद कहता है खाने को इतना चबाइए कि लार के साथ खाना मिले और पानी की तरह से उतर जाए, तो जिंदगी में कभी कोई बीमारी आने की संभावना नहीं। फिर ऐसे ही नियम है एक छोटा सा, कि पानी पीजिए तो घूट घूट भर के पीजिए, जैसे गर्म दूध पीते हैं वैसे पानी पीजिए, सिप करके पानी पीजिए, ताकि ज्यादा लार शरीर में जाए। लार जो है ना, वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती है, तो घुट घुट पानी पिएंगे तो बहुत लार जाएगी, गट 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 पिएंगे तो बहुत थोड़ी सी जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य को जिंदगी भर स्वस्थ रहना हो तो हर दिन 4.5 से 5 लीटर लार की आवश्यकता है, वो सिप करके ही संभव है। और आप आज से ये शुरू करिए सिप करके पानी पीना, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। जिनको भी एड़ियों में दर्द है ना, 3 दिन में गायब हो जाए। अगर घुटने में दर्द है ना, 6-7 दिन में ठीक हो जाए। कोई भी जॉइंट्स पेन है, 12-13 दिन में चला जाए। कितनी भी भयंकर संधिवात हो, सिप करके पानी पीजिए, और एक सिप में उतना ही पानी लीजिए 1 चम्मच के बराबर, उसको थोड़ी देर मुंह में घुमाइए फिर पीजिए। अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो 1-1.5 महीने में ही 5-6 किलो कम हो जाएगा अपने आप, बिना कोई दवा खाए, सिप करके पानी पीने से। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त अमेरिका से लौटा है, उसका 140 किलो वजन हो गया था, तो उसको अमेरिका की जिस कंपनी में नौकरी करता था निकाल दिया, क्योंकि वहां नौकरी से निकालने में 1 मिनट लगता है किसी को, वहां जॉब कभी भी सुरक्षित नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, निकाल दिया। और उसको एक्सप्लेनेशन दिया कि हम आदमी को नौकरी पर रखते हैं, हाथी के बच्चे को नहीं रखते, 140 किलो का। अब वो बेचारा बहुत घूमा, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, वजन कम हो जाए किसी तरह से, नहीं हुआ। अब आ गया भारत, एक दिन तो वो जॉन हॉपकिंस में चला गया, तो वहां बोला कि आपकी ऊपर से कुछ खाल चीर देंगे, वजन कम हो जाएगा, मांस काट के निकाल देंगे। अब वो कहे अरे मुझे तो ये नहीं कराना, वापस आ गया, बेंगलोर में रहता है। एक दिन कहने लगा राजीव भाई आप कुछ बताओ, मैंने कहा कुछ मत करो, पानी गुनगुना पियो और सिप करके पियो। अभी 9 महीने से वो ऐसा ही कर रहा है, अब वजन उसका 70 किलो, बिना कोई दवा के, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी योग, बिना किसी प्राणायाम के, खाली सिप करके पानी पीने का ये चमत्कार। तो आप बहुत सारी बीमारियां इसी से ठीक कर सकते हैं। आपने देखा है कुत्ता कैसे पानी पीता है? कुत्ते को सुना कभी डायबिटीज होता है? कभी नहीं होता। चिड़िया होती है ना, चिड़िया कैसे पानी पीती है? एक चोंच में एक ड्रॉप उठाएगी, फिर पिएगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर पिएगी, फिर रुकेगी। चिड़िया को ना संधिवात होता है, ना जॉइंट्स पेन होता है, ना डायबिटीज होता है, ना कैंसर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, ना माइग्रेन होता है, कुछ नहीं होता, वो स्वस्थ है, मस्त है। हमको ये सब क्यों होता है? जिस भगवान ने चिड़िया बनाई है उसी ने हमको भी बनाया। जो आत्मा उसमें है वही आत्मा हम में है, जो ऑर्गन्स हमारे हैं वही ऑर्गन्स उसके हैं, बस वो खाने पीने का ध्यान रखती है। चिड़िया कभी रात को नहीं खाती, मनुष्य रात के 12-12 बजे भी खाता रहता है। चिड़िया कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीती, सवेरे खाना खाएगी, दोपहर को पानी पिए, पानी के साथ कभी खाना नहीं खाती। सब जानवर इस नियम का पालन करते हैं, जो सबसे मूर्ख भैंस है वो भी इसका पालन करती है। सवेरे भरपेट खाना खाएगी भैंस और दोपहर को 11 बजे पानी पिएगी, लेकिन मनुष्य जो है ना वो भैंस से भी गया पीता है, वो खाने के साथ घटाघट घटाघट 2 गिलास 3 गिलास 5 गिलास पीते रहता। आयुर्वेद में ये सूत्र है, भोजनांते विषम वायु, माने भोजन के अंत में पानी पिया तो विष पी लिया। तो आप भोजन के बाद पानी मत पीजिए, 1-1.5 घंटे के बाद पीजिए, पानी सिप करके पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पीजिए। सवेरे उठते हैं ना तो अपने दिन की शुरुआत पानी से करिए, चाय से नहीं। जो लोग सवेरे दिन की शुरुआत पानी से करें और जो सवेरे दिन की शुरुआत चाय से करें, दोनों जमीन आसमान के अंतर है। चाय से शुरुआत करने वालों को 68 बीमारियां होंगी, 68, और जो सवेरे पानी से शुरुआत करें दिन की तो उनको बीमारी नहीं। तो आप बोलेंगे कितना पानी पिए, कम से कम 1 गिलास तो पी लीजिए, उठते ही पी लीजिए, 2 गिलास पिए और अच्छा है, 3 गिलास पिए तो सबसे अच्छा है। पानी पीते ही क्या होता है, इंटेस्टाइन साफ हो जाती है।
दोनों बड़ी और छोटी आंत दोनों साफ होती है, और दोनों आंत अगर साफ है रोज तो आप चिंता मत करिए जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैंने, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया। चिकनगुनिया पिछले साल भर से भारत में फैल रहा है, 70,000 मरीजों का मैं इलाज किया हूं, अभी तक मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। कर्नाटक में मैंने किया, महाराष्ट्र में किया, गुजरात में, अब राजस्थान में भी किया। सब लोग मुझे यही पूछते हैं, आप कौन सी दवा खाते हैं, वही हमें बता दो। मैं उनसे कहता हूं मैं दवाई नहीं खाता, लेकिन मैं आयुर्वेद के सभी नियमों का बहुत कट्टरता से पालन करता हूं। सवेरे उठने पर पानी नहीं मिला तो उतनी देर में टॉयलेट में नहीं जाता, मिलेगा पानी तभी जाऊंगा, और उठते ही पानी पीता हूं, मुंह भी नहीं धोता, दांत भी साफ नहीं करता, रात को दांत साफ करके सो जाता हूं। पानी कभी भी पीता हूं सिप करके पीता हूं, और ठंडा पानी बर्फ डाला हुआ कभी नहीं पीता, खाने के हमेशा 1-1.5 घंटे बाद पानी पीता हूं, कभी कभी 2 घंटे बाद भी पीता हूं। ये छोटे छोटे नियम का पालन मैं करता हूं, 18 साल से मैं स्वस्थ हूं, आप भी हो सकते हैं। मैं बस इतना ही है, यूरोप की नकल नहीं करता किसी का, अमेरिका की नकल नहीं करता, वो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूं, ये मैं कभी नहीं करता। पहले मैं बहुत सोचता हूं कि ये करना है नहीं करना है, अपने लिए काम का है नहीं काम का है, ये सब सोच विचार के अगर जीवन में आप फैसले लेना शुरू करें, मुझे नहीं लगता कि आप बीमार पड़ेंगे।